गुड मॉर्निंग। कल जो हमने बात की थी उसके हिसाब से हम आज चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी बात करने वाले हैं। ऑलरेडी ये हो चुका है, इसका रिवीजन है, तो हम ज़्यादा कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले। जो मेन मेन पॉइंट है उसकी बात करके आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर कौन आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? म्यूचुअली रिलेटेड है, यस और नो। और एंगल की बात करें तो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? अभी हमने क्या बोला? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ ऑटोमेटिकली जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, नैस का एग्जाम्पल भी लिया था, कि नैस बस स्टैंड पर खड़ा है, अचानक किसी से आँख मिलाता है, यस और नो, और सामने वाली से उसकी आँख क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो डेफिनेटली नेस को भी क्या हो जाता है? इंटरेस्ट। और उसमें भी क्या हो जाता है? सामने वाली में इंडक्शन क्या हो जाता है? आई बात समझ में? जबकि उसने उसको टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी यहाँ पे क्या हो जाता है? इंडक्शन। ये बात ज़रूर याद रहेगी इसको, बाकी याद रहे ना रहे, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसका। अब बात इंट्रोडक्शन में हमें एक ही बात याद रखनी है कि किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखें, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ओरेस्टेड, ठीक है। और फिर किसने किया था? एम्पियर। और बाकी लोगों ने भी इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स अप्लाई किए थे। अब इन्होंने क्या फाउंड किया? दे फाउंड दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। पहले भी चैप्टर में पढ़ा था हमने, कोई भी चार्ज रेस्ट पे तो कौन सा फील्ड लेकर आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आता है। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में, तो कौन सा लेकर आएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो उसके आगे बात करें हम, द एक्सपेरिमेंट ऑफ द माइकल फैराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन USA डेमोन्स्ट्रेट दैट इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस इन अ क्लोज कॉइल व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ और इंडक्शन किसका हो गया है? करंट किसका हो गया है? और ये किसने शो किया था दुनिया के सामने? फैराडे और हेनरी, दो नाम प्लीज दिमाग में रखें कि अगर किसी ने इसको प्रूव किया है दुनिया के सामने या डेमोन्स्ट्रेट किया तो कौन है? फैराडे और हेनरी। सबसे पहला एफर्ट किसने डाला था? ओरेस्टेड। किसने डाला था? ओरेस्टेड। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट में फाइनली ये एक्सपेरिमेंट में कहा गया, फैराडे एंड हेनरी हैव लीड डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे जनरेटर एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर। अगर मान लीजिए आज के ज़माने में हमारे पास जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर नहीं होते तो पावर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता। इनकी देन है जिसकी वजह से पावर क्या है? सस्टेन है। बात समझ में आ गई? क्या याद रखना था खाली इंट्रोडक्शन में? पहला स्टार्ट किसने किया था? ओरेस्टेड। दूसरे जो थे वो एम्पियर वगैरह थे, कोई इशू वाली बात नहीं। फिर डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था? फेराडे और हेनरी ने। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया? तो सीधा क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया है इसमें क्लोज कॉइल व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा? तो हमने देखा है, मान लीजिए इधर कॉइल रखा और मैग्नेट को पास ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मैग्नेट को दूर ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड कम। क्या ये बात समझी थी कि नहीं समझी थी? ठीक है, वेरी गुड। अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। कहा नहीं आए पूछना है, मैंने फिर कहा है, जो ऐसे बच्चे भी हैं जो पूछते ही नहीं, बैठे रहते। रिविज़न में आप खुद पढ़ के आएंगे। आज अगर ये चैप्टर 6 शुरू हुआ है, घर पे जाके कोई बच्चा इसको कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, और 6-7 बार या 6-7 दिन हमारा चल रहा है, मान लो मेरा तो 2-3 टॉपिक ही कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। जिस बच्चे का रिवीजन चल रहा है वो हर दिन इसको कंप्लीट करेगा ना, बार बार ये कह रहा हूँ, जबकि हमारे ये 6 चैप्टर चल रहा है, अभी भी 8 चैप्टर गए ही नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं कर सकता है तो यार मैं इसका कुछ भी कर सकता नहीं। देखो अब बात किसकी चलने वाली है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मीनिंग से ही पता चल जाता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और इसका क्या हो रहा है? तो क्या बोल रहा है? द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? जनरेट बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले ही हमने बात की है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा उसी को हम आगे जाके क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोल देते हैं? और बार बार एक ही बात करेंगे हम, कि
कि पूरे चैप्टर में यही है पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस चैप्टर में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, यही बात आके अटक जाएगी। अच्छा, ये कहने का मतलब एक ही बात है कि जहाँ पर भी अगर आप बात कर रहे हैं वेरिंग, वेरिंग का मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बात कर रहे हैं आप, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आप एक ही बात पे बार 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 जोर डाल रहे हैं कि अगर ये चेंज होगा तो ही कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बात ही लास्ट में जाके कौन सा बनेगी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट तभी जनरेट होगा जब क्या होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी जगह मैं वेरिंग को हटा के कॉन्स्टेंट लिख दूँ, क्या आंसर रहेगा आपका, करंट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब देखो अभी यहाँ पे देव ने क्या बताया कि जीरो आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बात समझ में ही, कोई डाउट किसी को उसमें। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, तो दुनिया में सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, तो ऑरेस्टर, डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था, तो, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया, उन्होंने चेंज किस में लाया था, मैग्नेटिक फील्ड में, और करंट को क्या कराया था, इंड्यूस, बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट कर लेगा कि इंड्यूस हुआ है या नहीं, कौन होगा, बहुत बढ़िया, सही, सबसे बिल्कुल सही राइट आंसर दिया, क्या दिया है, गैल्वेनोमीटर, यस और नो, तो गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा। ठीक है, वेरी गुड, देखो अब यही पहला एक्सपेरिमेंट की बात करें नंबर वन, फिर इसके कंक्लूजन ही वही आएंगे जो यहाँ हम बात करने वाले हैं। अ कॉयल सी वन इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर जी, तो भाई कॉयल देख रहे हैं आप, यहाँ कनेक्ट ऑन हुआ है जी, ये इसका काम ही क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम आई को क्या कर लेगा ये, डिटेक्ट, कभी भी ये मेजर नहीं करता है, ध्यान रखेंगे आप, और मेजर कराना है तो आपको पता है कि जी को ए में कैसे कन्वर्ट करना है और जी को वी में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हैं फिर वापस दूर ले जा रहे हैं। देखो जब नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए आप, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो यहाँ करंट कैसे आ रहा है, देखिए इसी का डायरेक्शन आ रहा है, एन ही इंड्यूस होगा, और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कभी कोई पूछ ले कि भाई इसमें कौन सा डायरेक्शन होगा करंट का, तो वही पोल देख लीजिए आप, और पोल के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, एन एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो यही करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो, ये तरीका है, उसकी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, उसको दिमाग में सेट कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को बताओ, कंफर्म है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में हमने किसको मूव करवाया था, मैग्नेट को, किसके टूवर्ड्स, कॉयल नंबर वन, कॉयल नंबर वन से कौन कनेक्टेड है, और हमने इसको मूव करवाया, बहुत पास में लाए फिर वापस ले गए। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है वो रिजल्ट में बात करेंगे, ऑलरेडी आपको पता भी है क्योंकि ये चैप्टर रिवीजन मोड पे हम चल रहे हैं। इसके आगे बात करें तो हमारे पास अलग 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 सिचुएशन है जो हमने पिक्टोरियल व्यू से बताई हुई, गैल्वेनोमीटर है, देखो ये एन आया इधर, यहाँ कौन आ रहा है, साउथ, यहाँ कौन है, नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ इंड्यूस हो जाएगा, और साउथ दूर जा रहा है तो कौन हो गया, नॉर्थ, ये बातें पहले ही आपको समझाई हुई, देखो ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, यहाँ नॉर्थ क्या हो रहा है, अवे हो रहा है, क्या हो रहा है, अवे, तो टूवर्ड्स कहाँ जा रहा है, इस तरफ, यस, डिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट, इसके एक नंबर के क्वेश्चन ही एमसीक्यू बन जाएंगे ऐसे डायग्राम पे, ध्यान रखना, नॉर्थ अगर इनसाइड आ रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, कौन है ये, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ज़रूर ऑब्जर्व करें, दिमाग में सेट कर लें, साउथ टूवर्ड्स आएगा तो क्या आएगा इधर, देखो एक साउथ का देखिए आप, लेफ्ट साइड, यहाँ पे साउथ दूर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, इस साइड, जिस तरफ साउथ जाएगा उस तरफ डिफ्लेक्शन है किसका, गैल्वेनोमीटर, बात समझ में आएगी, कि आपको पहले ही पता है कि करंट जो है उसमें क्या होते हैं, चार्ज, और चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लास्ट नेगेटिव में ही जाएगा, बात समझ में आ गई। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, नॉर्थ जब बाहर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव, और साउथ किसकी तरह काम करता है, नेगेटिव, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहीं पे बात याद रखेंगे, तरीका क्या रहेगा सर, मैं सारी चीज़ें कैसे याद रखूँ, बस इतना याद रखिए साउथ जिस तरफ होगा उस तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्शन। अब अच्छा मुझे बताइए, ये नॉर्थ इस तरफ जा रहा है लेकिन साउथ तो क्या अवे है, नॉर्थ इस तरफ साउथ क्या है, अवे है, तो उसी तरफ डायरेक्शन हमने शो कर दिया, अब देखो नॉर्थ जा रहा है कहाँ पर, दूर, यस और नो, तो साउथ के क्या जाएगा, टूवर्ड्स, यहाँ पे देखिए साउथ क्या जा रहा है, अवे, ठीक है, पास वाला जो होगा उसका तो इफेक्ट शो होगा लेकिन दूर वाले का इफेक्ट क्या होगा, रिवर्स, क्या होगा, रिवर्स, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ और साउथ वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट,
कि दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है, कैसा है, और अगर सेम होता तो अट्रैक्ट करते ही, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आपको दिमाग में सेट होने चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन सेट है तो काफ़ी हद तक एक नंबर के आधे नंबर के एमसीक्यू जो आएंगे उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहे, वैसे तो तीन एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, क्या क्या किए थे। पहले तो इन्होंने कॉइल ली, जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, और एक मैग्नेट को मूव करवाया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, अब कॉइल को मूव करवाया और मैग्नेट को क्या कर दिया, कांस्टेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में दोनों ही कॉइल ली, एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था और दूसरी कॉइल में बैटरी कनेक्टेड थी, और अब मूव किसको भी करवाओ आपको इशू वाली बात नहीं है, बस फाइनल रिजल्ट यही आएगा कि चेंज की वजह से किसी का क्या होगा, एग्जिस्टेंस। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से किसकी एग्जिस्टेंस आ रही है, करंट, किसकी एग्जिस्टेंस आ रही है, करंट, वही बात यहाँ पे चलने वाली है। देखो अगर यहाँ हम बात समझने की कोशिश करें, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट एंड इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। और बात करें आगे, द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार मैग्नेट इज इन मोशन। बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली है, डिफ्लेक्शन तब तक रहेंगे जब तक क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। अगर ये मोशन में नहीं रहेगा तो चेंज ही नहीं आएंगे। आगे बोले, द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट हेल्ड स्टेशनरी। अभी मैंने ये देव को क्वेश्चन पूछा था, क्या बोला था कि अगर मान लो मैं वायरिंग की जगह क्या लिख दूँ, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कब आएगा, जब मैग्नेट वहीं स्टे कर जाएगा। अरे यस और नो, तो चेंज तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, और चेंज आएगा नहीं तो किसी की भी एग्जिस्टेंस नहीं आएगी। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैग्नेट को अगर हम दूर ले जाते हैं, किससे ले जाते हैं, कॉइल से, तो आप देखना गैल्वेनोमीटर हमेशा कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, एंड विच इंडिकेट्स रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन। अच्छा, रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन में अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, साउथ और नॉर्थ, तो साउथ और नॉर्थ में कौन सा रहेगा ऑप्शन, क्योंकि नॉर्मली हमारी डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉक वाइज, और इसका अपोजिट कौन होता है, एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज कौन देगा, एस या एन, एन देगा, ध्यान रखना। मोर ओवर व्हेन द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व विद द नॉर्थ पोल। देखो नॉर्थ पोल की अपोजिट ही चल रहा मामला, साउथ पोल जिस तरफ जाएगा उसी तरफ डिफ्लेक्शन जा रहा है, यस और नो, लेकिन नॉर्थ पोल की क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। बात समझ में आ गई, मान लीजिए नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो डिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, अपोजिट। बात समझ में आ गई, अरे यस और नो, और मान लीजिए नॉर्थ पोल अवे जा रहा है, ये डिफ्लेक्शन क्या जाएगा, अपोजिट। ये क्लियर हो गया, अरे यस और नो। अच्छा साउथ पोल पास आ रहा है, साउथ पोल इस तरफ आ रहा है, डिफ्लेक्शन कहाँ जाएंगे, इस तरफ, और मान लीजिए अगर साउथ पोल इस तरफ आ रहा है, डिफ्लेक्शन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। बात समझ में आ गई, इसमें कोई इशू किसी का, ठीक है। फर्दर द डिफ्लेक्शन एंड हैंस करंट इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड टूवर्ड्स और पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर। जितना स्पीड से आप उसको मूव करवाएंगे उतना ही करंट का जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कौन से करंट का, इंड्यूस करंट, कौन सा करंट है बॉस, इंड्यूस करंट। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछे, घर पे जाके इस चैप्टर को आज किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करना है आपको। व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड, व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड एंड द कॉइल C1 इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व। वही बात, तीसरा एक्सपेरिमेंट, अगर दो कॉइल ले लेते हो, क्या ले लेते हो, कॉइल, और अगर दो कॉइल लेते हो तो क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट रख दो, एक को मूव करवा दो, एक में गैल्वेनोमीटर डाल दो, एक में बैटरी डाल दो। बात समझ में आ गई, तीनों एक्सपेरिमेंट, कोई इशू इसमें। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कंक्लूजन, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कि रिवीजन है तो हम थोड़ा इतना स्लो तो नहीं चलेंगे जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, इट शोज दैट इट इज द रिलेटिव मोशन। कैसा मोशन है ये, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन क्यों बोला हमने, बिल्कुल अगर चेंज नहीं हुआ तो डेफिनेटली किसी की भी एग्जिस्टेंस नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन और इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। इलेक्ट्रिक करंट की एग्जिस्टेंस तभी आएगी जब क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यस और नो, और चेंज नहीं हुआ तो नहीं आएगी। और बार बार एक ही रिजल्ट की बात कर रहे हैं,
जो वीक स्टूडेंट है इस बात को बिल्कुल दिमाग बैठा ले कि ये चैप्टर क्या कहता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सपेरिमेंट टू समझा दिया आपको, बार बार इसको हम नहीं देखेंगे। ऑब्जर्वेशन वही है जो आपको मैंने बोल ही दिया था। एक्सपेरिमेंट थर्ड आपके सामने आ गया वापस। और फाइनली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा टॉपिक। वो एक्सपेरिमेंट थे जो किसने किए थे, फेराडे और हेनरी। किसने किए थे, फेराडे और हेनरी। बात समझ में आ गई। और स्टार्ट किसने किया था, ऑरेस्टेड, ठीक है। और सबका पॉइंट ऑफ या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था, चेंज हुआ तो एग्जिस्टेंस आएगा, और चेंज नहीं हुआ तो कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। और किस किस का इंटर रिलेटेड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटर रिलेशन की बात चल रही है। अब इस डेफिनेशन को बहुत इजी लैंग्वेज में हमने समझा हुआ है, क्या समझा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन ऑफ एरिया ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिटर्न एज, तो 5B इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बी डॉट ए, और डॉट हटती क्या आ जाएगा इधर, क्योंकि तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर, और स्केलर का मतलब जिसकी एक से ज़्यादा क्या हो, डायरेक्शन, क्या है, एक से ज़्यादा क्या हो, डायरेक्शन। और एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी तो डेफिनेटली हम क्या लेकर आएंगे, कॉस, कि बेस और किसके बीच में रिलेशन है, ये हाइपो के बीच में रिलेशन है। वेयर थीटा किसके बीच में एंगल है, ये बी और ए के बीच में एंगल है। यूनिट ज़रूर याद रखें, यूनिट क्या रहेगी इसकी, वेबर, एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक यूनिट है, किसकी यूनिट है, साइंटिफिक यूनिट किसकी है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ लिखा नहीं है वैसे, मैं लिख दिया, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पासेस थ्रू गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया एट एनी एंगल, एट एनी, तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये देखो किसी एंगल पे भी जा रही है, और एंगल हमेशा किसके बीच में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड और गिवन एरिया, ठीक है, दोनों के बीच में ही एंगल रहेगा। और अगर बात करें दूसरी यूनिट, तो टेस्ला और क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट किसकी है, यहाँ हमने जो बात की है, जो क्या है, साइंटिफिक यूनिट, किसकी बात की हमने, साइंटिफिक, तो साइंटिफिक यूनिट एक तो वेबर है और दूसरी कौन सी है, टेस्ला, मीटर स्क्वायर, ठीक है, साइंटिफिक कौन सी है, वेबर, और दूसरी कौन सी यूनिट हमारी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसके ऊपर है, फॉर्मूला बेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और साइंटिफिक जिसने इसके बारे में दुनिया के सामने रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, प्रूफ। क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें, आगे बढ़ू मैं, तो सिंपल सी बात है जो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, फ्लक्स कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग एनी वन और मोर ऑफ द टर्म्स बी ए एंड थीटा। अगर फ्लक्स को चेंज करना है, आइदर आप क्या चेंज कर लीजिए, एरिया, या क्या कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, या एंगल को चेंज कर दो, ठीक है। अब जो बात आती है वो किसकी आ जाती है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो फेराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट देता है कुछ हाफ, और सेकेंड लॉ उसको क्या करता है, कंप्लीट। और इसमें जो थोड़ी एरर रहेगी उसको कौन कंप्लीट कर देता है, लेंज लॉ, कौन कर देता है, लेंज लॉ। ये आपको तीनों दिमाग में ब्रेन सेट होने चाहिए कि भी कौन सा लॉ क्या कह रहा है, जैसे फेराडे लॉ क्या कह रहा है, फिर फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, और फेराडे का सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया ये, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये भाई साहब, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या बोला है इन्होंने, कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ है किसी भी सर्किट में, वो हमेशा किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज। जब भी रेट की बात करें, मतलब किसको डिवाइड करेंगे, टाइम, और किस में टाइम को डिवाइड करना है, कर दिया हमने, तो ईएमएफ सिंबल माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, या माइनस इन्होंने डायरेक्ट लगा दिया, जबकि हम लगा सकते नहीं है, क्योंकि इसको डिफाइन कौन करता है, लेंज। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ
एंड हैंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑलवेज इन अ क्लोज लूप। वैसे तो ये इंडिकेट नहीं करता, इंडिकेट का मतलब यहाँ पे ये बात चल रही है ईएमएफ का हमेशा, या ईएमएफ हमेशा किसका अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। यहाँ पे बात ये चल रही है, ये जो हमारा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यहाँ पे किसकी बात चल रही है, ई एम एफ की बात चल रही है, ये हमेशा किसका अपोज करेगा। यस, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या लिया हमने, माइनस। क्या साइन लिया, माइनस। चेंज इन किसमें चेंज बॉस, बोलो। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा कौन अपोज करता है यहाँ पर, ई एम एफ। इसलिए साइन क्या इंडिकेट किया गया, माइनस। क्या इंडिकेट किया गया, माइनस। ये क्लियर हो गया सभी को, इसमें कोई डाउट है किसी को। इन द केस ऑफ क्लोजली वाउंड एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव ई बाय डी टी। ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ साथ में ले लिया, तो अलग अलग डिफाइन नहीं किया है। मैंने आपको नोट्स में दोनों अलग अलग डिफाइन करके बताए भी हुए हैं, लिखवाए भी हुआ है, तो जो भी नोट्स लिखवाए उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करें, रिविजन। और आगे देखिए इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया है, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी, द इंड्यूस ई एम एफ कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स। देखो ये बात फिर बोल दी उन्होंने कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स एक वन है और एक टू है, पहला वन टाइम हुआ और दूसरा कितना हो जाएगा, टू टाइम्स, डेफिनेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एम एफ की इंक्रीज। ठीक है, ऑफ अ क्लोज कॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, लेंज लॉ। किसकी बात कर लेते हैं, लेंज, कोई डाउट हो तो पूछते रहना। अब देखो अगर हम लेंज लॉ की बात करें, किसकी बात करें हम, लेंज लॉ, तो इसने हमेशा क्या बताई है, डायरेक्शन। क्या बताई है, डायरेक्शन। वैसे शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वही वापस आ जाएगी, तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्या लेंज लॉ कहता है उसका हमेशा समझें। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, आइदर इट इज इन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, या तो प्लस साइन के साथ चलेगा या किसके साथ चलेगा, माइनस। इसके अलावा कोई पोलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। इसे अल्टरनेटिव करंट में हमने पढ़ा था, तो वहां पे भी पोलैरिटी का मतलब क्या था, हाफ साइकिल जो था, यस, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये क्या था, नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर क्लॉक में चल रहा था, नेगेटिव किस में चलेगा, एंटी क्लॉक। यही तो समझने वाली बात थी, हम क्या कर रहे थे, जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या कर रहे थे, इंटरचेंज। पहले अगर पॉजिटिव इधर है, इधर नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉलिटी को हम क्या करते हैं, चेंज, तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जो करंट क्लॉक में चल रहा था अब क्या चलेगा, एंटी क्लॉक। वही बात किसकी होती है, पॉलिटी। ये क्लियर हो गया सभी को, नहीं हुआ, एबल टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। वही बात आ गई वापस, क्या बोला, जो भी प्रोड्यूस करंट है, प्रोड्यूस करंट का मतलब जो ऑलरेडी बैटरी की वजह से आया हुआ था, वो हमेशा किसका अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कौन आया था, करंट आया था, यही तो पढ़ा था हमने। हमारे जो फेराडे और हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, जब भी मैग्नेट को पास में ले जाएंगे, किसके पास, कॉइल के पास, किसके पास ले जाएंगे, कॉइल, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, चेंज। क्या हो रहा है, चेंज। कैसे, पास में ले जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा जाएगी एरिया के अक्रॉस, यस और नो, दूर ले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगी, तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर ये चेंज होगा तो 100% यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टेंस आ जाएगी किसकी, करंट की, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब नॉर्थ पोल की बात करें तो आपको पता पड़ ही गया है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, नॉर्थ पोल की बात करें तो कैसा रहेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल की बात करें तो कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे बात करें तो क्या लिखा है, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोज इंक्रीज इन द फ्लक्स। That means the face of the coil towards the magnet should have north polarity, so current in that face will be anti-clockwise and south के लिए क्या आ जाएगा, clockwise, बराबर। तो ये भी एक प्रूफ है कि जब भी हम साउथ को ले जाते हैं तो उसी डायरेक्शन में क्या हो रही थी,
गैलोनोमीटर की जो नीडल थी वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन नॉर्थ का सारा काम क्या हो रहा था, क्योंकि बात ही देखो ना यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, यस और नो, और यहाँ कैसा है, क्लॉक वाइज, सेम डायरेक्शन दे रहा है। इस लेंज लॉ ने क्या डिटरमाइन किया था, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, और किसके अपोजिट होती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोड्यूस ईएमएफ, प्रोड्यूस ईएमएफ, और प्रोड्यूस ईएमएफ को क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस करंट भी बोल सकता है, ठीक है। ये अलग अलग सिचुएशंस बता रखी है, देखो ये साउथ आया तो यही है, यहाँ साउथ आया कौन आया, देखो साउथ अवे जा रहा था कौन एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्थ, साउथ टूवर्ड जा रहा था कौन एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ, लेकिन यहाँ नॉर्थ अवे जा रहा था कौन एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ देखिए नॉर्थ टूवर्ड जा रहा था कौन एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्थ, बट ऑब्वियस ये तो रूल ही है उसका, ठीक है, याद रखना नॉर्थ अवे जा रहा है तो अपोजिट, टूवर्ड जा रहा है तो खुद ही, और फिर अवे जा रहा है तो अपोजिट, बात समझ में आ गई। और ये किसका प्रूफ है, लैंज लॉ ने बताया था कि जब भी क्या होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हमेशा किसका अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसलिए साइन किया था हमेशा माइनस, इसलिए आप जब जिस पोल को दूर ले जा रहे हैं उसका अपोजिट पोल क्या कर जाता है, इंड्यूस। लैंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखो मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, लैंज लॉ किसकी बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इन्होंने कहा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व, क्या रहती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच है और एक मैग्नेट, मैग्नेट को आप मूव कराओगे तो कौन सी एनर्जी लेकर आएगा, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी लेकर आएगा, काइनेटिक, और मैग्नेट को अगर रेस्ट पे ले आओ कौन सी एनर्जी लेके आएगा, पोटेंशियल, तो किसका कॉम्बिनेशन है ये, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यस और नो, जैसे आपने मूव करवाया फिर यहाँ पे ले गए तो किसी टाइम तो रेस्ट में आया था वो, और यस और नो, फिर वापस आपने मूवमेंट दे दी, तो दोनों एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इंटर रिलेटेड है, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी जब वो कौन सी कंडीशन में होगा, मूविंग, और रेस्ट में आती काइनेटिक क्या हो जाएगी, बात समझ में आ गई, तो दोनों किसका कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल एनर्जी, और यही बात कौन समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा एनर्जी यहाँ पर जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व, क्या रहेगी, आप मैग्नेट को 1000 बार घुमा दो या 1 लाख बार घुमा दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लास्ट है आज का, है ना, टॉपिक समझ लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्या हमें टॉपिक और एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझनी है तो रिवीजन मॉड्यूल समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर हम रिवीजन मोड पे जाएंगे वापस, ठीक है, एक बार ये भी अगर होता है तो देख लेते हैं। इफ द इंड्यूस करंट वॉज इन द सेम डायरेक्शन, इफ द इंड्यूस करंट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द फ्रंट फेज ऑफ द कॉइल गेट साउथ पोलरिटी, एंड वेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड इन टू द कॉइल, इसको पुश किया जा रहा है, द बार मैग्नेट विल देन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉइल एट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, क्योंकि खुद क्या लेके बैठा है, पोलरिटी, और पास क्या ले जा रहे हैं, तो आपको पहले ही पता है कि जब एस के पास कौन आएगा, एन, तो 100% क्या होगा, अट्रैक्शन, आ गया समझ में, ठीक है। अब जो बात इन्होंने कही उसकी बात करते हैं, द करंट इंड्यूस इन द कॉइल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यही बोला था हमने, चाहे मैं ईएमएफ प्रोड्यूस बोलूं, चाहे मैं इंड्यूस करंट बोलूं, दोनों ही बात सेम है, बात समझ में आ गई है। देन द बार मैग्नेट एक्सपीरियंस इज अ रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इंड्यूस करंट, एंड देयर फोर अ पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द मैग्नेट, एंड दिस एनर्जी वर्क इज डेसिपेटेड बाय द जूल्स हीटिंग प्रोड्यूस बाय द इंड्यूस करंट, दस लैंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और मैंने चैप्टर में भी कहा था कि कई दफ़ा स्टूडेंट के दिमाग में ये हो जाता है कि ये क्या है इंड्यूस करंट, तो मैंने कहा था ये जस्ट क्या है, हीटिंग है, क्या है ये हीटिंग, बल्ब भी जलाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हॉट, अरे यस और नो, तो ये हॉट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और किसकी वजह से किया वो, करंट की वजह से, और करंट की वजह से दूसरा इसके अंदर क्या आया, चेंज, और चेंज आती है इसमें क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अच्छा प्रेस भी हम हॉट कर रहे हैं तो प्रेस में भी क्या हो रहा है, इंडक्शन, क्या हो रहा है, इंडक्शन, ऐसा तो है नहीं कि अंदर क्या है फायर लगा दी और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गर्म हो गया, ओल्ड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी पहले कि हम कोयले को डाल के प्रेस को करते थे, सबसे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी थी वो, लेकिन आज अलग टेक्नोलॉजी आ गई, आज तो कपड़े खड़े खड़े ही हो, खाली शावर करते तो भी क्या हो जाते हैं, प्रेस, यह सुनो शावर का मतलब स्टीम की बात कर रहा हूँ, पता चला साले पानी से नहला दिया उसे, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे नहीं है,
मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसकी बात करते हैं? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हमने शॉर्ट में क्या बोला था? बीबी से लव हुआ, यस और नो? क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन ही इसका कुछ ऐसा ही आता है। किसकी बात चल रही है? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, मोशनल क्यों बोला? विदाउट मोशन एग्जिस्टेंस ही नहीं आएगी। किसकी एग्जिस्टेंस नहीं आएगी? मैग्नेटिक फोर्स की एग्जिस्टेंस नहीं आएगी, ठीक है? या फिर यहाँ आगे लगा दो कुछ तो बात ही अलग हो जाएगी। यस और नो? व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड इज मूव थ्रू अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म, तभी तो कॉन्स्टेंट होगा। अरे यस और नो? और क्या है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है? क्रॉस किसको शो करता है? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंड ई एम एफ इज डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोड एंड दिस ई एम एफ इज नोन एज मोशनल ई एम एफ। रोड मूव कर रही है इधर उधर इधर उधर, जिसकी वजह से क्या हुआ? इंडक्शन। क्या हुआ? इंडक्शन किसका? और इसी ई एम एफ को क्या बोला गया? मोशनल ई एम एफ। बिकॉज यहाँ रोड क्या कर रही है? डांस। क्या कर रही है? डांस इधर उधर। यह क्या कर रही है? मूव कर रही है भाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि टाइम की वजह से कोई भी चेंज आता नहीं है। किस में चेंज नहीं आता? ई एम एफ में कोई चेंज ही नहीं आता। यस और नो? फिर क्या बोला? द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इंक्लोज बाय द लूप पी क्यू आर एक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? बी डॉट ए। लेकिन रेक्टेंगुलर दिख रही है, तो इसमें क्या हो गया? लेंथ इन टू ब्रेड। एल का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? एक्स के साथ। आ गया समझ में? ही मेरे को डाउट? ठीक है। सिंस एक्स इज चेंजिंग विद द टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फाई विल इंड्यूस एन ई एम एफ इज गिवन बाय। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? लेंज लो। और उससे पहले क्या पढ़ा था? फेराडे लो। तो फेराडे लो ने क्या बोला था? ई एम एफ। और माइनस साइन किसने दिया था? लेंज लो। और यहाँ डी फाइव बी बाई क्या लिखा? डी टी। और फाइव बी को हटा के क्या लिख दिया हमने? बी एल एक्स। बात समझ में आई यहाँ? कोई डाउट है? कौन कॉन्स्टेंट है इसमें? बी एल एक्स में बी कॉन्स्टेंट है। कौन कॉन्स्टेंट है बॉस? बी कॉन्स्टेंट है तो बस। और एल भी यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो इसको हटाया और क्या कर दिया बाहर? क्योंकि तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी टी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डी बाई डी टी। तो डी ऊपर वाले के साथ कौन आ गया? एक्स। और आपको पता है डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर रहेगा? वी। और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया? बी वी से लव हुआ। यस और नो? बी फोर मैग्नेटिक फील्ड, एल फोर लेंथ एंड वी फोर स्पीड। ठीक है, तो स्पीड आ गई यहाँ पर कंडक्टर की। द इंड्यूस ई एम एफ बी एल वी इज कॉल्ड मोशनल ई एम एफ। मोशनल ई एम एफ का फॉर्मूला क्या है? बी वी से लव हुआ। यस और नो? या बी वी एल। तो जो पढ़ा उसको फटाफट शॉर्ट नोट पे रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किसकी कर ली थी? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, यहाँ सबसे पहला ट्राई किसने किया था? ओरेस्टेड, फिर एम्पियर ने, और फाइनली डेमोन्स्ट्रेट किसने किया? फेराडे और हेनरी ने। क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया था? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और करंट को क्या किया? इंड्यूस किया। आगे फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे कौन आ जाता है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ कौन आ जाता है? इसके आगे हमने एक्सपेरिमेंट फेराडे और हेनरी के पढ़े। पहला मैग्नेट होगा और दूसरा क्या होगा? कॉइल। तो मैग्नेट मूव कर रहा है, कॉइल क्या है? कॉन्स्टेंट। कॉइल में क्या लगा हुआ था? गैल्वेनोमीटर। और मूव करके हमने देखा कि यहाँ पे करंट क्या हो रहा था? इंड्यूस। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने देखा। तो ऑब्जर्वेशन तो ये तो हमने देख लिए थे। कंक्लूजन हमने क्या देखा? चेंज होगा तो ही एग्जिस्टेंस आएगी, अगर चेंज नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस नहीं होगी। फिर एक्सपेरिमेंट टू में दो अलग अलग कॉइल है, एक को मूव करवा रहे, एक को क्या रख रहे हैं? कॉन्स्टेंट। एक बैटरी से कनेक्टेड है और एक के बाद। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? की लगा दी। क्या लगा दी? की क्लोज है तो इंडक्शन होगा, की ओपन है तो कोई इंडक्शन होने वाला नहीं है। फिर आगे बात करें नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है इन एनी गिवन सरफेस एरिया इन एट एनी एंगल, उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। इसकी यूनिट साइंटिफिक होती है वेबर, और अगर बात करें तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसकी ओरिजिनल यूनिट है। क्या ये बात समझ में आ गई? और आगे बात करें फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, दो लॉ हैं, ठीक है? और यहाँ डायरेक्टली कंबाइन फॉर्म में दे दिया। क्या बोल दिया? ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, सॉरी ई एम एफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात बोली है, प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, वो तो फर्स्ट लो अलग है, सेकंड लो अलग है, बात अलग है। और अगर हमें ईएमएफ बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ गए तो क्या ईएमएफ चेंज हो जाएगा या बढ़ जाएगा? फिर
लेंज लो की बात की, तो लेंज लो ने किसकी बात की, पोलैरिटी की, कि ईएमएफ हमेशा किसका अपोज करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए हम माइनस साइन लेते हैं हमेशा, क्या लेते हैं, माइनस, ठीक है। जैसे अगर नॉर्थ टूवर्ड जाएगा तो वो खुद ही एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ अवे जाएगा तो उसका अपोजिट क्या कर जाएगा, इंड्यूस कर जाएगा, साउथ टूवर्ड जाएगा तो साउथ ही क्या कर जाएगा, इंड्यूस, और साउथ अवे जाएगा तो कौन कर जाएगा, नॉर्थ। फिर हमने बात किसकी कर ली, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको सीधा सिंपल सा वर्ड समझाया कि अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, मैग्नेट की, तो मैग्नेट कौन सी एनर्जी ले लेके मूव कर रहा है, काइनेटिक, अगर वो मूविंग कंडीशन में। और जब बात करें कॉइल की, तो कॉइल कौन सी कंडीशन पे है, पोटेंशियल एनर्जी लेकर बैठी है, कॉन्स्टेंट है, दोनों किसका कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व, क्या रहती है, कंजर्व, ठीक है। फिर इमोशनल ईएमएफ की बात की, जिसमें हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है मैग्नेटिक फील्ड को, किसको रखा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ही कांस्टेंट है यहाँ पे, कौन कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली क्या है, यहाँ पर चेंज आएगा किसमें, उस एक्सिस में चेंज आएगा जहां पर कौन मूव कर रही है, रॉड, तो रॉड कहाँ मूव कर रही है, एक्स में, कहाँ मूव कर रही है, एक्स में, आगे बात समझ में। इसलिए हमने बी और एल को क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट, और क्या होना है, चेंज एक्स में, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया, वी। और फाइनली इमोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी वी एल, बी वी से क्या हो गया, आ गया समझ में, ठीक है, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, एक मिनट।